नमस्कार साथियों, सभी का भी सर स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि सर जी अभी काउंसलिंग है वो लगभग ऐसे मान लो कि 1,07,000 के करीब सीट है और अभी तक रजिस्ट्रेशन है वो लगभग 1,20,000 के करीब हुए हैं, तो ये कितने सच्चाई इसके अंदर कि भाई अगर 1,20,000 के करीब अगर रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और 1,08,000 के करीब अगर सीट है तो लगभग ऐसा है कि उनमें से अगर बात करें तो हम अपने 10 या 12 हज़ार बच्चे रहेंगे काउंसलिंग में और उनका नाम वगैरह आ जाएगा। देखो ये चीज़ कोई कन्फर्म नहीं है क्योंकि ये चीज़ है वो किन के द्वारा फैली गई, ये चीज़ है वो ई मित्र वालों के द्वारा फैलाई जाती है। क्यों फैलाई जाती है? उनके ये फैलाने में फ़ायदा है क्योंकि वो सोचते हैं कि भाई अगर इस प्रकार का हम चीज़ को फैलाई वगैरह ज़्यादा वायरल करे हो सकता है और भी जो स्टूडेंट वंचित है ना वो काउंसलिंग के अंदर अच्छी तरीके से भाग ले और हमारा भी कुछ फ़ायदा वगैरह हो जाए। तो ये कुछ करतूत है वो ई मित्र वालों की, हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ होगी, हो सकती है, एक पॉइंट निकल कर आता है क्योंकि काउंसलिंग कम उसमें होती बहुत है लेकिन मतलब जो कॉलेज है वो जो यूनिवर्सिटी है वो सोचती है, जैसे अपनी अभी बांसवाड़ा यूनिवर्सिटी है ट्राइबल एरिया वाली, वो सोचती है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा काउंसलिंग कराए तो अपना फ़ायदा है ना, 250-300 रुपये अगर एक में उनको सीट नहीं मिले तो वो क्या फ़ायदा की सोचती है, इस कारण वो सही से निर्णय नहीं दे पाती कि भाई कितने सीटें हैं अभी रजिस्टर हो चुके हैं, ये चीज़ होगी। दूसरी बात अपन बात करेंगे भाई, कह रहे हैं कि भाई कुछ कह रहे हैं कि सर जी हमारे जैसे फर्स्ट लिस्ट के अंदर नाम अगर नहीं आया तो सेकंड लिस्ट के अंदर नाम आएगा तो उसके अंदर हमें अलग से काउंसलिंग करवानी पड़ेगी या फिर वही एक नंबर वाली काउंसलिंग से काम चल जाएगा? देखो काउंसलिंग सभी को एक ही बार करवानी होती है और उसी के आधार पर आपका 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर में आपका चांस है कि भाई आपको कॉलेज मिल जाए। अब पॉइंट बात करें अपवर्ड मूवमेंट का, जिस विद्यार्थी को फर्स्ट लिस्ट के अंदर नाम आ जाता है चाहे कितने भी नंबर हो अगर फर्स्ट लिस्ट के अंदर नाम आ गया तो 100% चांस है कि उसको अपवर्ड मूवमेंट के अंदर कॉलेज चेंज हो जाएगी, ये कन्फर्म है। लेकिन 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर जो भी आगे कॉलेज निकलती है सीटें अपने निकलती है जो भी कह सकते हैं भाई साइड्स या फिर कह सकते हैं कितने लिस्ट निकली है उनमें बहुत ही कम चांस है कि भाई 2 नंबर वाले 3 नंबर वाले 2 नंबर वाले कुछ हो जाता है और में इतने में कम चांस है कि आपका दूसरी कॉलेज में अपवर्ड हो या नहीं हो, ये कन्फर्म नहीं है, है ना। तो देखो अभी तक डेट बढ़ा दी गई है, डेट ऑफ आप 500 रुपये सबमिट करवा सकते हो, 11 तारीख लास्ट डेट है, 2 दिन बचे हैं करवा सकते हो जिसने भी काउंसलिंग वगैरह नहीं करवाई है, ठीक है। दूसरी बात कॉलेज चॉइस फिलिंग आपकी 4 तारीख से स्टार्ट हो गई थी, 13 तारीख तक चलेगी, 11 तारीख तक पैसे जमा करा तो 13 तारीख का आपकी कॉलेज फिलिंग चलेगी और पहली जो लिस्ट है वो आपको आएगी 16 तारीख को आएगी, ठीक है, 16 को आएगी, 16 तारीख के फर्स्ट लिस्ट में आ जाएगा। अब कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर जी हमें जैसे कॉलेज मिल गई एक पहली लिस्ट के अंदर कोई भी मिल गई, अगर हमें वो कॉलेज नहीं चाहिए तो क्या हमें वहाँ पर जाकर काउंसलिंग वगैरह करवानी पड़ेगी क्या ऑफलाइन? बिल्कुल करवानी पड़ेगी, आप ऑफलाइन काउंसलिंग जाकर करवाओगे डॉक्यूमेंट के साथ, वो वेरीफाई कर दे तब आप अपवर्ड मूवमेंट वाला सिस्टम लगा सकते हैं, उनमें आपका चेंज हो जाएगी। अगर चेंज नहीं होती है तो वो आपको जो कॉलेज मिली भी थी यह यथावत रहेगी, किधर ही नहीं जाएगी। चलो ये बन गया, ओ रिपोर्टिंग इन कॉलेज आप 18 तारीख से लेकर आप 24 तक आप रिपोर्टिंग करवा सकते हैं कॉलेज में जाकर, ठीक है, और आप 19 से लेकर 25 तक आप क्या कर सकते हो अप्लाई अपवर्ड मूवमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो 19 से लेकर 25 तक, हो गया। अब अपवर्ड मूवमेंट का जो रिजल्ट आया है वो आएगा 27, अलॉटमेंट अपने 27 तारीख को आएगा, 27 जुलाई को आएगा, ठीक है, और रिपोर्टिंग इन कॉलेज यानी अपवर्ड मूवमेंट के बाद आप 28 तारीख से लेकर 31 इस महीने की 22 तारीख तक आप रिपोर्टिंग करवा सकते हो। तो ये कुछ फॉर्मेट रहने वाले हैं 2 ईयर वाले, भाई किस प्रकार अगर अपवर्ड आप कराए तो किस आधार में आपको ध्यान रखना है। कोई कह रहा है सर हमारे इतने नंबर बन रहे हैं लगभग 250 नंबर वाले जाता है ना उनका अगर फर्स्ट टेस्ट के अंदर हो जाए, अगर नंबर आपके 220 ही है अगर फर्स्ट टेस्ट के अंदर आपका नाम आ गया है तो 100% चांस है कि आपकी जो कॉलेज है वो चेंजिंग हो जाएगी। तो जितना इसके बीच इस वीडियो में जितनी आपको जानकारी पता लगी है, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, मिलते हैं और भी अच्छे और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मिलते हैं और भी अच्छे और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम साथियों, अपना ख्याल रख दीजिएगा।